Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. IFA. पूर्व में भी कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे डॉक्टर साहब आपके माध्यम से, जैसा कि आपको विदित है, चौधरी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जन जन के नेता, किसानों को मसीहा, जिन्होंने जन जन की बात की और किसानों के दर्द को महसूस किया, ऐसे महापुरुष जैसे ईमानदारी का पूरे विश्व में प्रतीक हैं, एक राजनीति के रूप में अनुशासन के प्रतीक हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व का, ऐसे महान विभूति का आज हम 115वीं जयंती मना रहे हैं। हर वर्ष हमारी, जो मैं उसका अध्यक्ष और संयोजक हूँ, चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह समिति जो हर वर्ष मनाती है, और चूंकि हिंदी के विषय में उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे उससे पहले भी हिंदी को राष्ट्रभाषा और हिंदी भाषा क्यों होनी चाहिए, अनुसंधान में, विज्ञान में, रिसर्च में, सब में क्यों हिंदी होनी चाहिए, इस विषय में बहुत लंबे प्रस्ताव उन्होंने रखे, जिसमें कुछ काम हुआ भी है। तो इसलिए हमने उनके सम्मान में, जो किसानों की बात करते थे, किसानों के अर्थशास्त्री थे, लेकिन इससे अधिक बात यह थी उन्होंने हिंदी के सम्मान की लड़ाई लड़ी, तो उन्हीं को नमन करते हुए हमने विराट अखिल भारतीय महाकवि सम्मान किया, जिसमें 15 कवि आए हैं और देश के नामचीन कवि, आप जैसा बैनर पर देख रहे हैं, नामचीन कवि कविता पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, अभी विचार गोष्ठी हुई है, सभी ने 24 साल आपके व्यक्तित्व कृतित्व विचार रखे हैं। सम्मेलन के माध्यम से जो आज देश की स्थिति है उसके बारे में हम बात करते हैं और किस प्रकार से समाज को बदला जा सकता है कविता के माध्यम से। आज चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती है, वो किसानों की बात करते थे, गरीब मजदूर की बात करते थे, और कभी भी कहीं ना कहीं किसान और मजदूर की बात करता है कि उसको कहीं ना कहीं महत्व मिलना चाहिए, ये बात भी कविता में हम लोग करते हैं, और सामाजिक समाज कैसे बदले इस पर भी हम लोग बात करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, ओ मेरे देश, ओ मेरे देश, आज तेरा कैसा परिवेश, तेरे घर में गद्दारों के आसन गहरे हैं, तेरे घर में तेरे बनकर दुश्मन ठहरे हैं। देखिए, आज पूरे प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज जो है चौधरी साहब को पूर्व स्वर्गीय, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को जन जन और जो है समाजवादी कार्यकर्ता, नेता और गरीब मजदूर आज उनके जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा सपना था इस देश को और प्रदेश को आगे ले जाने का। अगर गरीबों की बात करी तो चौधरी साहब ने करी है, किसानों की बात और पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में उठाने की बात करी तो जो है चौधरी साहब ने शुरुआत करी। आज ही इसी संकल्प को लेते हुए अगर दूसरा इस देश के अंदर नेता पैदा हुआ है तो हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हैं, जिनने उनके हर जगह जो है उनको याद बनाने के लिए तमाम उनके नाम से कॉलेज और तमाम हवाई अड्डे खोलने का काम किया, नामकरण रखने का काम किया। हम ऐसे देशों को ऐसे नेताओं को नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं आज उनकी पुण्यतिथि पर के बताए हुए उनके कदमों पर हम लोग चलने का काम करें, इस देश के गरीब और मजदूर और किसानों को बात को बुलंद करने का काम करें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो गई। जय हिंद। परमानंद शर्मा यहीं से, आगरा से हूँ, और आज मेरे मित्र धारिया जी ने जो आयोजन किया है 115वीं जयंती चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री उनके जयंती आयोजित की है, ये कार्यक्रम बहुत आवश्यक कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है हमारे यहाँ, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, किसानों का जो अर्थशास्त्र है उन्हें ही पैदा किया,
आज हम उससे बहुत दूर चले गए हैं और देश में ये आवश्यकता खड़ी हो गई है कि किसान, जो मैं कल ही एक टीवी पे देख रहा था कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है उसमें 48% शेयर हमारे किसानों का होता है, किंतु जब हम जीडीपी पे ध्यान देते हैं तो उसमें उसका शेयर सिर्फ 15% रह जाता है, 15% रह जाता है। तो ये जो विभेद है, 48% हम इकोनॉमिक ग्रोथ अगर देश की कर रहे हैं तो होने वाले लाभ में भी हमारा जो किसानों का अंश है वो भी 48% ही होना चाहिए। ये इस तरह की जो राजनीति, किसानों की जो राजनीति की जाती थी, ऐसे एक मसीहा हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, उनको हम आज उनके 115वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।